स्त्री के बाद स्त्री टू आ चुकी है थिएटर्स में। काफी लंबा इंतजार करवाया। स्त्री 2018 में रिलीज हुई थी और अब करीबन 6 साल के बाद रिलीज हुई है उसकी सीक्वेंस स्त्री टू। स्त्री तो सुपर टूपर हिट थी, आई लव्ड इट, तो ऑब्वियसली स्त्री टू से मेरी कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे। तो क्या स्त्री टू हमारी उम्मीदों पर खरी उतरती है? बॉक्स ऑफिस पर तो इस मूवी ने धूम मचा दिया है। स्त्री टू के फर्स्ट डे कलेक्शन देखकर तो हर कोई हैरान हो गया है। दिस मूवी हैज अर्न्ड 50 करोड़ ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। अब मूवी के बारे में बात करते हैं। वेल, ये सीक्वल अच्छा है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लाइक पार्ट वन बेटर। पार्ट वन हैड ग्रेट ह्यूमर, हॉरर और कॉमेडी का एक सही बैलेंस था, लेकिन स्त्री टू में वो बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया है। स्त्री टू की कॉमेडी ठीक ठाक लगी मुझे, मतलब हंस हंस कर लोटपोट होने वाली कॉमेडी नहीं है। सम जोक्स वर्क वाइल सम डोंट। म्यूजिक अच्छी है, द सॉन्ग्स आर पेपी एंड फुट टैपिंग, बट आई फाउंड द बीजीएम ब्लेरिंग टू लाउड। ऐसे लगा जैसे कि कान के पर्दे अब फटने वाले हैं। दैट फेल्ट रियली अनोइंग। कहानी इस बार सर कटे की है, जो गांव की लड़कियों का अपहरण करता है। तो ऑब्वियसली दिस टाइम अगेन श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपर शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी साथ मिलकर सर कटे के इस आतंक को खत्म करने की कोशिश करते हैं। द हॉरर वाज जस्ट द यूजुअल। कुछ सीन्स काफी सिली लगे मुझे। जी नहीं, सर कटे से मुझे डर नहीं लगा। द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी वॉज राजकुमार राव। राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है विकी, वो अभी भी उतना ही मासूम और प्यारा लगता है। विकी इज द मोस्ट अडोरेबल कैरेक्टर इन द स्त्री फ्रेंचाइजी। बाकी के कैरेक्टर्स भी क्यूट है, जैसे कि उसके दोस्त बिट्टू, जना और रुद्रा। दीज आर ऑल सिंपल काइंड ऑफ डम्ब फन कैरेक्टर्स। इस गैंग की केमिस्ट्री जबरदस्त है, मतलब राजकुमार राव, अपर शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी और अभिषेक बैनर्जी, चारों की ट्यूनिंग, कॉमिक टाइमिंग बढ़िया है। एंड दे अपीयर सो कंफर्टेबल विद ईच अदर, उनको देखकर मजा आ जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला कैरेक्टर है विकी का। उसकी मासूमियत, भोलापन आपके दिल को छू जाती है। श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के राज इस सीक्वल में खुल जाते हैं। वो कौन है, कहां से आई है, मिस्ट्री पर से पर्दा हट जाता है इस सीक्वल में। देयर इज येट अनदर प्लेजेंट सरप्राइज इन दिस मूवी, जिसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी। लेट इट रिमेन अ सरप्राइज फॉर यू गाइड्स। श्रद्धा कपूर बहुत ही प्यारी लगती है। शी लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस, ब्यूटिफुल इन दिस मूवी। अक्षय कुमार का स्पेशल अपियरेंस है इस मूवी में, एंड दैट पार्ट इज ट्रूली फनी। क्रेडिट्स रोल होने के बाद भी दो गाने और कुछ सीन्स है, सो डोंट मिस इट। तो जी हाँ, स्त्री टू एंटरटेन करती है, लेकिन मेरे हिसाब से इट कुड हैव बीन बेटर।